की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, हो रहे हॉर्स ट्रेडिंग की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, हो रहे हॉर्स ट्रेडिंग की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, सीडीएफ के लूट खसूट की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, विधायक और अफसरों द्वारा सीडीएफ के लूट खसूट की जांच करवाओ, जांच करो, सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, विधायकों के भ्रष्टाचार की जांच करवाओ, जांच करो, जांच करो, बीजेपी के लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की रिपोर्ट आ रही है। ये कहा जा रहा है कि एमएलए रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर सरकार बनाने के लिए अनफेयर मीन से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पॉलिटिकल एमएलए जो हैं उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 7 एमएलए तोड़ दिए गए हैं और बाकी पार्टियों में भी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को न केवल जवाब देना होगा बल्कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी इंक्वायरी करनी होगी कि किस तरीके हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये न केवल मॉरली इनकरेक्ट है, नैतिकता के आधार पर गलत है, बल्कि एक बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, नियमों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, प्रेसिडेंट्स का उल्लंघन है, कायदा का उल्लंघन है और इसका संज्ञान विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को लेना होगा। जितने भी रिपोर्ट्स न्यूज पेपर में सोशल मीडिया में आ रही है और साथ ही साथ जो विधायक हैं सस्पेंडेड होने के बावजूद अपने सीडीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरासर गलत है। सस्पेंडेड एमएलए जो है उसके सारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, उसके पावर्स प्रिविलेजेस वो अख्तियार जो है वो नहीं एक रेगुलर असेंबली को है, लेकिन उसके बावजूद एस्टीमेट रख रहे हैं सीडीएफ अपने फाइनेंशियल को कर रहे हैं, वो सीडीएफ को प्रमोट करने को कर रहे हैं, उसमें अधिकारियों का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा सहयोग रहे हैं जो सरासर गलत है। और कई 100 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने का है नहीं है उसको चूना लगाने की चीज है, जिसका जो है वो स्टेज को चाहिए आज ही को करती है जो हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायतें हैं उनमें और जिस तरीके एमएलएज के सीडीएफ फंड को लूटने की कोशिश की जा रही है एमएलएज और ऑफिसर्स के नेक्सस के द्वारा।